Okay, so I've got Rehan Alawala with me, and today we're going to discuss why he is in the eye of the storm right now. In the last 2 days, I've been receiving a lot of messages from friends, a lot of posts in my Facebook feed about Rehan Alawala and all the bad things he's done recently, and a lot of people are upset. And obviously, he was working on something जो एक बहुत ही सेंसिटिव सा सब्जेक्ट है, जिसमें लोगों के बड़े सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत ही कंसर्न है बहुत सारे लोग. सो रेहान अलावाला, आपने ये सब क्या किया? कैसे हैं समीर? थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। अभी तक तो कुछ नहीं किया, एक सेल्फी लेके लगाई थी और ओके लोगों ने पूछा भी नहीं। इनफैक्ट दी पापा का गरम गरम सा मैसेज आया, तुमने इसके ओके साथ सेल्फी क्यों लगाई, हाउ डेयर यू मेट। सो बैकग्राउंड यह है कि तकरीबन 1.5-2 साल से ये हर थोड़े दिन के बाद कोई फोर्स कन्वर्जन की सिलसिला आ जाता था कि जी कोई फोर्स कन्वर्जन हो रही है, और मेरे जितने इंडियन दोस्त थे, हिंदू दोस्त थे, वो मुझको मैसेज करते थे कि भाई आप जो हैं प्लीज कुछ करें इसके लिए। मैंने कहा भाई कैसे कर, मैं जी कौन हूँ कुछ करने वाला, आई डोंट नो द प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एंड मैं जी ऐसे ही बैठा हुआ था एक पॉलिटिशियन के पास, तो उनसे मैंने नाम जिक्र किया कि ये मियाँ मिट्ठू कौन है भाई, ये मुझे उनसे ये क्या करते हैं, ये स्टोरी सही है क्या है। तो उन्होंने कहा जी नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कहा अच्छा आदमी है तो इतना बदनाम क्यों है, क्या ये बस बदनाम है। फिर तकरीबन 1.5 साल पहले मैं डालस में था, तो वहाँ पे मेरे से किसी की मुलाकात हुई, बातों बातों में फिर फोर्स कन्वर्जन का जिक्र आया। तो उसने मुझे बताया कि आप इस को ना छुएं, ये बड़ा खतरनाक मामला है, जी और लेकिन फोर्स कन्वर्जन का जो सिलसिला है वो ये होता ही है कि लड़के लड़कियों पे डोरी डालते हैं, क्योंकि नॉर्मली मुसलमान लड़की जो है वो नज़र ही नहीं आती, मंदिर की लड़की नज़र आ जाती है उनको। तो वो उसके ऊपर उसे कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं किसी तरीके से, फिर वो फंस जाती है समहाव, और फिर वो उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए लॉ रिक्वायर करता है कि यू हैव टू बी अ मुस्लिम। ये है लुब्बे लुबाब, यानी इसकी सिनॉप्सिस। और ये किसका मैं पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अभी आपने मेरे को बताया किसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये? ये मुझे एक लड़के ने बता, ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप धारकी जाएंगे, उमरकोट जाएंगे, ये दो एरिया जहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं, जब आप जी वहाँ जाएंगे और आप दोस्ती कर लेंगे उनसे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्टोरी ये होती है। फोर्स अच्छा, कन्वर्जन आपको इज ऐसा बताया गया? एक ने नहीं, मुझे हिंदुओं ने बताया, मुसलमान ने बताया, हिंदुओं ने भी जी बताया, हिंदू जर्नलिस्ट ने बताया कि जी एक्चुअल में स्टोरी ये होती है। बट उसको क्योंकि कुछ रंग देना होता है और कुछ उसके अंदर गरम मसाला लगाना होता है, तो उसके ऊपर गरम मसाला ये लगाया जाता है कि ये जबरदस्ती शादी कराई गई है, क्योंकि माँ बाप की इजाजत तो नहीं होती। कौन सा माँ बाप चाहेगा कि बच्ची, हमारे मुआशरे में कौन माँ बाप गरीब, जो एक आदमी 5,000 रुपये महीना कमाता हो, 5,000 पाकिस्तानी इज $30, जी उसका माँ बाप की जो वसत होगी वो छोटी होती है, वो तो नहीं इजाजत देगा कि मेरी बच्ची जाके कहीं शादी कर ले, किसी और मजहब में शादी कर ले, बहुत ज्यादा जी इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो इजाजत जी नहीं देती। और जब वो इजाजत नहीं मिलती तो बगैर इजाजत की शादी करती है। ये जो बीमारी है, इश्क है, ये तंग करती है। जी और उसके बाद उनके हिसाब से वो जाते हैं और किसी से सहारा मांगते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, और फिर वो, क्योंकि माँ बाप उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो माँ बाप बजाय इसके के बच्ची का साथ दें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खानदान वालों को, अपने नाम को उस पर केस करते थे। केस ये करते हैं कि बच्ची हमारी भगा के लोग ले गए। जी और उसके बाद की जो स्टोरी हुई है कि उसको फोर्स कन सॉर्ट ऑफ उसको मुसलमान हो जाती है। जब मुसलमान हो गई तो अब वो जो भी उसको प्रोटेक्ट करने वाला है, चाहे वो कोई भी जैसे मियाँ मिठा है, तो वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन ये देते हैं कि भी आप उसके वालदेन को वापस नहीं करते, वो उसको जगह बनवा के देते हैं, खर्चा देते हैं, जाके वो वापस ना जाए। वो दे वांट कि पीपल बिकम मुस्लिम, दैट्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, तो वो ये फॉलो करते हैं। खैर मैंने ये बात सुनी, फिर आई गई कर दी।
तो इत्तेफाक से जहाँ वो रहते हैं थे मियाँ मिठा साहब धार जी की, वहाँ गया, वहाँ किसी से मुलाकात हुई, मैंने जिक्र किया, नाम आया उनका, तो उन्होंने कहा वो तो यहीं रहते हैं, आपके यहाँ जरा मुलाकात करा दे। तो मैंने कहा चलो यार 5 मिनट मिल लेते हैं चल के, कौन है। गए तो वो थे नहीं, उनके बेटे से मुलाकात हुई, उनका नंबर शंबर ले लिया। जी फिर मैं जा रहा था 2 हफ्ते पहले, तो मैंने मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ, आपसे अपॉइंटमेंट मिल सकता है, मैं आपसे थोड़ी देर मिलना चाहूँगा, आपका इंटरव्यू करूँ। उन्होंने कहा जाओ नो प्रॉब्लम। तो मैं चला गया, इरादा था कि हम आधा घंटा पौना घंटा बैठेंगे और अट जाएंगे, लेकिन इट टर्न इनटू अ लॉन्ग 6-7 आवर्स कॉन्वर्सेशन, वाह और उसके अंदर तकरीबन मैंने 1 घंटा 1.5 घंटे का उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। फिर मेरे साथ एक मेरी दोस्त ग्रीस से आई हुई थी, हम लोग बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के टूर पे निकले थे पाकिस्तान को डिस्कवर करने के, पाकिस्तान में स्पिरिचुअलिटी की गढ़ कहाँ। ओके तो उससे पहले हम एक हिंदू टेम्पल पे गए, विच टर्न आउट टू बी एन अमेजिंग प्लेस। मैंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई के 70 एकड़ के ऊपर, 70 एकर्स के ऊपर पूरा एक हिंदू टेम्पल है, एक ऐसे साहब का जिनका मैंने कभी नाम सो भी मैं नहीं एक सुना मिनट था। इंटरप्ट करूंगा आपको, ये सब आप क्यों करते हैं? मतलब आई मीन आपका इंटेंशन क्या है कि आप हिंदू टेम्पल गए और आप ये बना रहे हैं, और यू नो व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू डू देयर? मैं एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस घर में पैदा हुआ था, और मेरी वालदा बहुत रिलीजियस है, मेरे वालिद इतने ज्यादा सख्त नहीं है, वालदा बहुत वेरी स्टिल इज जी वेरी रिलीजियस। बट तो मेरा कभी एक्सपोजर नहीं हुआ हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, क्रिश्चियन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। व्हेन आई ग्रो अप कि जी मुसलमान के अलावा दुनिया में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बस आप यही करें और यही। लेकिन जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, डिफरेंट लोगों से मिलना शुरू किया, तो आई अंडरस्टूड के इट्स दैट डजंट साउंड राइट, और लोग भी अच्छे हैं और लोग भी बहुत प्यारे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब इंडिया गया पहली दफा, तो मुझे एक कलकत्ता का एक आदमी मिला, और उसने उसको जब पता चला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो मेरे साथ घूमता रहा सारा दिन दिल्ली में 2-3 दिन तक। वो मुझे उसने मेरा ख्याल किया, भाई की तरह बन गया, बिल्कुल ही बिकेम लाइक सो गुड फ्रेंड्स। आज तक हम इन टच में हैं, 20 साल हो गए, और हर बर्थडे पे विश करता है, हर एनिवर्सरी पे विश करता है, बिल्कुल भाई की तरह। वो हिंदू है सो कॉल्ड, तो मुझे नहीं लगता था कि ये चक्कर क्या है। सो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि हिंदू क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, किस तरह होता है। आई एम जस्ट क्यूरियस बाय नेचर, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग नेचर के तौर पे क्यूरियस होते हैं, इसीलिए वो घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि मैं कैमरा उठा लेता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और जब मैं जी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है वो भी देख लें। तो समझिए वो हिंगलाज में यात्रा जाना हो, नानी के मंदिर जाना हो, मैं जी अच्छा। फिर क्या मैंने देखा कि जब मैंने जाना शुरू किया, पहले तो मैं बहुत डरता था जाते हुए, अरे यार मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब जाना शुरू किया तो डर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। जो जब डर कम हो गया तो अब मैंने और लोगों को बोलता था तो वो बहुत हाउ हाउ करते थे, हाई नहीं ऐसे कैसे हो सकते, हम कैसे जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, तो मैंने वीडियो बना के लगाना शुरू कर दी। शुरू में मैं नहीं लगाता था वीडियो क्योंकि मैं डरता था कि पता नहीं जी मेरे साथ क्या करेंगे वीडियो लगाते हुए। तो ये है इसका बैकग्राउंड। अब मियाँ मिठू राइट पे वापस आते हैं तो एक मिनट रुकिए, मैं आई वांट टू, सो आई वांट टू मैनेज दिस कॉन्वर्सेशन इन अ सर्टेन वे. आई मीन आई हैव एन एजेंडा, एंड द एजेंडा इज आई वांट टू गेट टू, आई वांट टू वेरी क्विकली गेट टू द क्रक्स ऑफ व्हाट इज रियली हैपनिंग. सो वन, यू सेड कि जी आप जो है आप जानना चाहते हैं, आप यू नो आपका इंटेंशन है कि पाकिस्तान में और इन जनरल हिंदू हिंदुओं की क्या कल्चर है, उनके क्या टेम्पल्स हैं, और यू नो आप एक डायलॉग फॉर्म करना चाहते हैं, और आपका एक तरीका है जिसके बारे में बहुत सारे लोग वाकिफ हैं कि आप चीजें फेसबुक लाइव इंटरव्यूज कराते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस कराते हैं, और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है. तो एक तो होता है कि प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पे आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं, दूसरा है कि आप इमर्स हो जाते हैं जब वीडियो में, तो अवेलेबल, एंड यू नो ऑब्वियसली नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग टू दैट, नोबडी सेइंग दैट इज बैड. इनफैक्ट आई मीन आई हैव नोन यू फॉर 4-5 इयर्स एंड आई हैव रियली अप्रिशिएटेड ऑल द स्टफ दैट यू हैव बीन डूइंग इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. आई थिंक द कंसर्न हियर वाज, एंड यू नो व्हाट इज अपसेटिंग पीपल इज, ये बहुत ही, जैसे आपको जिन्होंने भी आपको बताया था कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है. यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू मुसलमान है पाकिस्तान में है, और लोगों का डर है
लोग डरे हुए हैं कि भाई हमें हमारे ऊपर हमारी आइडेंटिटी पे अटैक है, कि ये जो है लोगों के हिसाब से भाई ये एक साजिश है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को और भी ज्यादा ओप्रेस करने की. ठीक है, तो व्हेन यू वेंट इन देयर वर यू अवेयर दैट यू आर एक्चुअली स्टिरिंग अ हॉर्नेट्स नेस्ट? आपको क्या आपको आपको अच्छी तरह मालूम था कि आप इस ऐसी चीज में हाथ पांव डाल रहे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है लोगों के लिए, लोग जिसके लिए बहुत जज्बाती हैं? देखिए, हर इंसान दूसरे इंसान को ऐसा समझता है जैसे वो खुद है. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि भाई जिस तरह मैं क्यूरियस हूँ कि मियाँ मिठा कौन है, और लोग भी क्यूरियस होंगे कि भाई ये आदमी है कौन, ये चाहता क्या है, क्यों ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान कर रहा है. बट जो मुझको फीडबैक आया वो ये कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये कौन है, और हम उससे आपकी साथ फोटो भी नहीं लेना चाहते. और ये सिमिलर रिस्पॉन्ड पाकिस्तान में मुझे पहले भी आ चुका है जब मैं किसी यहूदी से मिलता हूँ. पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी से ज्यादा या हिंदू से ज्यादा यहूदी से नफरत करता है, ये उसके घोटे में डाला जाता है. जी, तो वो जी. अगर मैं सबसे ज्यादा मुझे जो बैशिंग आती थी वो बात करने से या ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी मेरे साथ हो रहा है. जी, उससे ज्यादा मेरे साथ हेट आया जब मैं एक अहमदी सेंटर चला गया जो कि कादियानी कहलाते, उससे ज्यादा मेरे साथ हेट आया. तो अगेन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हॉर्नेट्स नेट ये जो भी नेस्ट है, और बहुत ही ज्यादा लोग नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे और हर्ट हो जाएंगे. तो हर इंसान के सेंटिमेंट, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी इंडिया के लोग, वैसे बहुत इमोशनल. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारे हिंदू पाकिस्तानी दोस्त इतने ज्यादा इमोशनल हैं, इनकी इनसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उनके साथ फोटो लगाना भी ऐसा समझते हैं कि जैसे किसी शैतान के साथ फोटो लगाई. तो दैट इज व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड आई डिड नॉट नो, और वो टोटली अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए था कि इतना ज्यादा क्यों उनके साथ मुझे नफरत उनके बारे में डाली गई. लेकिन आप ये अंदाजा करें कि पिछले 24 घंटे में मुझको जो मैसेजेस आए हैं, यकीन के साथ लोगों ने फोन करके मुझे बोला कि आप लोगों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान करते हैं, यानी मैं करता हूँ, बगैर देखे बगैर समझे बगैर पढ़े. मैं एक दिन में 24 आवर में इतना ज्यादा मुंह काला हो गया. तो वो 25 साल या 30 साल से उनके ऊपर ठप्पा लग रहा है, तो उनका तो सर्टेनिटी हो गया ना, यही तो शैतान ही पैदा हुआ है. और मेरा मेरा नैरेटिव क्या है भाई, बात करो, अगर खराब है तो स्टोरी तो सुनो. अगर वो कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, जो भी है, तो कोर्ट का काम है ना, मेरा काम तो नहीं है कि उसको सजा दूं. आपका भी काम नहीं है, पुलिस का काम है कि आगे इन्वेस्टिगेट करे, मेरा काम नहीं है. मैं एक ऐसा ऑब्जर्वर जाके उनसे मुलाकात कर रहा हूँ, उसमें मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा. लोग मुझे जवाब भी देने को तैयार नहीं है इस बात का, क्योंकि वो कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए उतने खराब हैं और आपने उनके साथ फोटो क्यों खिंचाई. कि आपने जाके डेविल के साथ लंच कर लिया, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. और जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए डेविल से लंच करने की, मैं तो बहुत खुश हूँ. अरे यार, अल्लाह मियां के साथ क्या आर्गुमेंट होता, जरा बताओ तो सही. तो आई वुड बी आई एम दैट काइंड ऑफ अ क्यूरियस पर्सन कि मैं चाहता हूँ कि बात. और दूसरा जो लोगों को तकलीफ हुई वही अच्छा हुआ ये कि जब वो लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, बच्चों आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो, व्हाट्सएप है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है. मैंने कहा मैं आपको भिजवा दूँ, आप ले लेंगी? तो उन्होंने कहा हम बड़ी खुशी से ले लेंगे. पहले उन्होंने नाना किया, मैंने कहा ले लेंगे. फिर मैंने मियाँ मिठा से कहा आप इनको दे देंगे, मैं भिजवा दूँ? उन्होंने कहा मैं दे दूंगा. तो मैंने कहा अच्छा, मुझे ओपनिंग क्या मिली कि नाउ आई वांटेड टू गेट दोज गर्ल्स कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि अभी तक तो वो ढूंढी नहीं जा सकती थी और वो सेफ है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दें, फेसबुक पे ब्लॉक कर दें, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा सकते ना, अब्यूज अगर कोई कर भी रहा है ब्लॉक कर दो. तो उनकी फिजिकल लोकेशन से ज्यादा आसान है कि आप उनको, जिसको भी उनसे शिकायत है, जिसको उनसे बात करनी है, अब नाउ यू आर ऑन व्हाट्सएप, आप बात कर लें या उनका इंटरव्यू कर लें. बात क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ. देखिए जो रान भाई, सो आई हैव टू ब्रिंग आउट कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है. अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है, ये एक्यूजेशन है कि इन लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ले गए हैं, किडनैप कर ले हैं
अगेंस्ट देयर विशेज. एंड देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि एक छोटे शहर से, गांव से, जहां से भी तबके से आया हुआ बच्चा, वो तो बोल ही नहीं सकता कुछ. अब तो वो बोलेगा ही बच्चा कि जी मैं अपनी मर्जी से आई हूं, तो वो तो मतलब उनकी तो, अगर वो बोल भी रही है कि नहीं जी वी फेल इन लव, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी. तो इसका आपके पास क्या जवाब है? तो ना माने, ये मेरा तो काम नहीं है ना कि उनसे सच उगलवाऊं या सच बुलवाऊं, ये तो कोर्ट का काम है. मैं तो ना, जो अगर मियां मिठा ने मुझे इंटरव्यू दिया तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला कि उन्होंने सच बोला या झूठ बोला. मैं तो रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूँ उनकी बात को. अब आपके पास तो एक्स्ट्रा प्रूफ मिल रहा है अगर कि जी एक आदमी ये बात बोल रहा है, आप उसको डिसप्रूव कर दें, केस कर दें इस आदमी के ऊपर. जी अगर वो आज की परसों कल से कोई लोग कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में केस नहीं कर सकते, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, मुझे आपकी और हमारी दोस्त, अगली बार कहने वाला था आपसे, हमारी और आपकी दोस्त ने कहा कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं इनका इंटरव्यू भी नहीं कर सकती, मैं इनसे बात भी नहीं कर सकती. मैंने कहा ठीक है, कहते रेहान आप बहुत ताकतवर हैं, आप कर ले. मैंने कहा मैं एक आम इंसान हूँ, आई एम नोबडी, मैं क्या ताकतवर हूँ, आई एम नोबडी, मैं बात कर लेता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकती. है फिर आज कल मुझे किसी दो लोगों ने मैसेज किया, इटली से एक लंदन से, कि जी आप क्यों मिले, इनके खिलाफ हम केस नहीं करते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं. मैंने कहा तुम लंदन में बैठे हो, लंदन में केस कर दो, इटली में बैठे हो, इटली में केस कर दो, वहां तो आईएसआई नहीं है, वहां तो तुम्हारे पास कोई उनकी पावरफुल लोग नहीं है, वहां केस कर दो, क्या प्रॉब्लम है. फंडिंग चाहिए, इतना हिंदू लोग हैं तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं भी हेल्प करूंगा केस करने में. अगर लॉ को हमने अबाइड नहीं किया तो फिर हमारी डेमोक्रेसी, हमारा पूरा कल्चर, सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई ना. अगर हम कोर्ट को मान, सो लेट मी पुट यू ऑन द स्पॉट, प्रियान भाई, आई एम गोना पुट यू ऑन द स्पॉट. आर यू सेइंग कि अगर लोग खड़े होते हैं मियां मिठा को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है, आर यू गोइंग टू, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आप कैसे करेंगे, आर यू गोना स्टैंड अप एंड मेक श्योर दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड है. पहले $500 मैं डोनेट करूंगा, मैं डोनेट करूंगा, आप केस करें उनके ऊपर. मेरा काम केस करना नहीं, आई एम नॉट अ लॉयर. आप केस करें, जो भी करना करता है इंटरनेशनल कोर्ट में जाए. देखिए अगर, और मैंने पहले $500 मैं डोनेट करूंगा उन पे केस करने के लिए, आई हैव नो प्रॉब्लम. ठीक है, सेकंड थिंग, डू यू, एंड आई वांट यू टू कैटेगोरिकली स्टेट योर पोजीशन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू गर्ल्स इन पाकिस्तान? किसी भी इंसान को जबरदस्ती कुछ भी कराना मेरे उसूल के खिलाफ है. कैटेगोरिकली स्पीकिंग, किसी भी हिंदू गर्ल की जबरदस्ती उसको मुसलमान करने के मैं टोटली खिलाफ हूँ. मैं सपोर्ट ही नहीं करता, ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना इस्लाम सपोर्ट करता है, दोनों सपोर्ट नहीं करते. आप सपोर्ट नहीं करते और आप, मैं आपको कल को कोई भी आता है आपके पास कि रेहान भाई आपने बोला था आप हमारे साथ खड़े होइए, चाहे वो मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो जैसे आपने बोला कि केस करने के लिए अगर आपकी मदद चाहिए कि जी वहां पे कोर्ट में केस दाखिल करना है और वो कोर्ट में केस दाखिल नहीं हो रहा है, तो आप उनको हेल्प करेंगे कोर्ट में? आई एम नॉट सेइंग कैसे करेंगे, बट यू नो यू विल डू व्हाटएवर यू कैन, राइट, टू मेक श्योर दैट समबडी कैन फाइल एन अपील इन अ कोर्ट. इफ यू आर सेइंग यार मेरी तो सुन नहीं रहा, पुलिस वाला नहीं सुन रहे, या कोर्ट नहीं सुन रहे, मैं इनकरेज करूंगा और उसको गाइड करूंगा, उसकी हेल्प करूंगा कैटेगोरिकली कि भाई इस तरह कर लो. लॉयर अगर किसी को जानता हूँ उससे कनेक्ट भी करा दूंगा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मैं अपना नेटवर्क खोल लूंगा, भाई जाओ उनके ऊपर केस करो. आई गॉट दैट. ओके, वन लास्ट थिंग ऑन माय व्हाट आई वांट टू डू टुडे. आई अंडरस्टैंड, सो आई वांट टू गिव यू 2-3 minutes to actually, you know, I want you to go out there and say ki aap kya kehna chahte ho. You know, obviously, whatever happened, you know, ye to hum sab jante hain ki sahi aur galat kuch nahi hai, har ek cheez ek point of view hai, aapka ek point of view hai, jo log aapse naraaz hai unka point of view hai, mera ek alag point of view hai. To
ऑब्वियसली जितना मैं जानता हूँ कि यू नो दीज आर पीपल दैट यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद, दीज आर पीपल दैट यू हैव बीन फ्रेंड्स विद, दीज आर पीपल यू बीन रीचिंग आउट टू इन द पास्ट, और नाउ दैट यू नो वॉट यू नो, यू नो अब आपको मालूम है कि लोगों का क्या रिएक्शन है, उनका क्या ओपिनियन है. I see you've, you know, already written an apology on Facebook. Is there anything else, or do you want to repeat? You know, what do you want to say about this whole incident? Okay, first of all, हम खास तौर पे हिंदू बुद्धा को बहुत मानते हैं, और reality की जो reality है वो बहुत फर्क है हमारे दीन से. जो reality है कि pain is an idea. It's not real, first of all. Again, फिर भी आपको emotional pain हो रहा है, तो मैं आपको request करूँगा as a brother कि आप meditation करना शुरू करें. आपको pain होना नहीं चाहिए, number one. Number two, फिर भी pain हो रहा है, जैसे मेरा बच्चा कोई 5 साल का आ जाए, मुझे क्या, मुझे दर्द हो रहा है, मैं कहूँगा बेटा I'm sorry, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या, how can I help you? मैं categorically request करूँगा जितने मेरे हिंदू भाई बहन जिसको तकलीफ हुई है मेरी किसी भी अमल से, मुझको बताएं कि मेरे से क्या गलती हुई है और मैं क्या करूं आपसे माफी मांगने के लिए कि आपकी गलती के ऊपर कुछ मरहम आ जाए. शीशा टूटने के बाद क्रश तो लाइन तो रह जाती है. अब अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे बताइए. मेरे ख्याल में मैं ये कर सकता था कि मेरे जितने लोग मुसलमान हुए हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं, मैं सबके लिए पाकिस्तान में काम करता हूँ गुरबत को खत्म करने के. मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी ऐसा ना बचे कि जो 80,000 रुपए पाकिस्तानी से कम कमाता हो महीने का. इसके लिए मैं सुबह शाम काम करता हूँ. अगर हम अपनी सारी एनर्जी लड़ाई झगड़े में निकाल देंगे तो इकोनॉमी बिल्ड करने पे कब लगाएंगे. इसीलिए मैं इंडिया पाकिस्तान से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि सारी अगर हम टाइम लड़ाई में निकाल देंगे तो हमारा जो बच्चा छोटा सा 2 साल का बच्चा बाहर गाँव का गटर के ऊपर जाके गोबर के ऊपर जाके पॉटी करता है, उसको कब एक टॉयलेट नसीब होगा. अब वो घर के अंदर बैठ के अपने फुजला को सही तरह से खारिज कर सकेगा और उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी. उसको वो ये कोरोना तो क्या छोटे छोटे जो बीमारियों से बच्चे मर जाते हैं. मैं इसके लिए काम करता हूँ, मुझे इस चीज़ से तकलीफ होती है. बड़ा आदमी हो गया उसकी मर्जी है जो मर्जी करे. जिस तरह से आप कह रहे हैं ना 18 साल से छोटे बच्ची को शादी नहीं करनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ. इसी तरह से 2-3 साल के बच्चे का क्या कसूर है कि वो गुरबत की वजह से उसको बीमारी होती है और वो तकलीफ में आता है. मैं इस चीज के लिए काम करता हूँ. आप लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिए. समीर भाई का इंटरनेट किसी वजह से, समीर भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, वो आ जाते हैं तो फिर बात को दोबारा कंटिन्यू करें.
चले जी समीर भाई, तो अभी तक वापस नहीं आए ना, उनकी कॉल लग रही है, हो सकता है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो या कोई और वजह हो गई हो। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट कर दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जो अभी तक सवाल आए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। जुहेब अली भुट्टो कह रहे हैं कि मियाँ मिट्ठू के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के बजाय रेहान अल्लाह वाला क्यों क्यों स्क्रीन पर ला रहे हैं। जुहेब, जितने भी लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करी और नंबर दिया मियाँ मिट्ठू का, उनके बेटों का, उनके पोते का, उनके नवासे का, कि आप इन लोगों से बातें करें, किसी एक ने भी सिवाय एक आदमी के, फारूक इसरार के, किसी ने भी उसका इंटरव्यू उनका इंटरव्यू नहीं करना पसंद किया अभी तक। और उनसे बात करना नहीं पसंद करी, उनसे डरते हैं। और मुझसे नहीं डरते तो इसलिए मेरी शामत आएगी, तो या तो मैं प्यार बांट दूं या डर बांट दूं। आई थिंक कि मैं प्यार बांटना चाहूँगा, और जिसको एक्यूज करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस होता यह है कि जब वो लोग ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, मॉब मेंटालिटी हो जाती है, तो जो पेशावर के पास जो बच्चे के साथ हुआ वही हमारे जैसों के साथ भी हो जाता है। जब किसी ने आप उठा के देख लें, सारे जितने भी लोग आए हैं, कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसकी शामत आती है। कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने मुश्किल डाली है तो आसानी भी आएगी इसके बाद। चाची रेहान भाई, आपने पूरी दुनिया, यू मेट द होल लॉट ऑफ पीपल इन योर वर्ल्ड वेंट टूर इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया, व्हाट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी वाज देयर? क्यूरियोसिटी वसीम सेम है कि दुनिया आगे कैसे चली गई, हम क्यों आगे नहीं जा सके, हम कैसे आगे जाएंगे, हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, ये मेरा फंडामेंटल सवाल होता है। और उसी के लिए मैं मिलता हूँ, उसी के सीखने के लिए करता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ। दैट इज़ बेसिकली जो मैं करना चाहता हूँ। योर फेसबुक पोस्ट अबाउट दैट गॉट डिलीटेड, योर व्यूज ऑन दिस? मुनीश, पहली दफ़ा जिंदगी में, दूसरी दफ़ा मेरी पोस्ट डिलीट हुई है, कभी फेसबुक ने मेरी पोस्ट डिलीट नहीं करी, मैं खुद हैरान हूँ। दो पोस्टें आज के दिन में डिलीट हुई हैं, पहली पोस्ट जिसमें हमने फ़ोन की वीडियो लगाई थी वो डिलीट हो गई, दूसरी दफ़ा हमने वीडियो लगाई वो बच्चियों के इंटरव्यू की वो भी डिलीट हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों डिलीट हो गई, तो मैंने दोबारा पोस्ट नहीं करी। रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने की थी, वो डिलीट हो गई थी। वो पूछना ये था कि कन्वर्ट करने के लिए किडनैप करना ज़रूरी है। राजेश, अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, शुरू से तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि होता मुझे क्या बताया गया है। अगर आप समझते हैं कि किडनैप होते हैं तो आपको चाहिए कि जो कानून है, कोर्ट है, उसको इस्तेमाल करें, पुलिस में रिपोर्ट कराएं और उसको उसको उनकी हेल्प करें। मैं समझता हूँ कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी काउंसिल होनी चाहिए, उसका कस्टमर सर्विस नंबर होना चाहिए, थोड़े से पैसे जमा कर लें, एक पूल बना लें कि कोई भी किसी भी पेरेंट को कोई तकलीफ होती है या उसका बच्चा भाग जाता है या वो कहते हैं फोर्स कन्वर्जन में किडनैप हो गया है, तो फौरन जिस तरह से सिटीजन लेजॉन कमेटी कराची में बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से आप सिटीजन लेजॉन कमेटी CPLC जिसको कहते हैं उनसे रब्ता करें और उनके थ्रू आप किडनैपिंग का केस को करवाएं, जो कि लेजॉन करने के लिए सिटीजन की मदद के लिए है, ताकि ये मसला ना हो। और क्योंकि ये नॉर्मली गरीब लोगों के साथ होता है, तो वो गरीब लोग के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोर्ट कचहरी करें, तो वो खामोश हो जाते हैं। उनको खामोश नहीं होना चाहिए, उनको एक पूल ऑफ मनी अवेलेबल हो आपके पास, उसमें 10-20 करोड़ रुपए पड़े हों, जिससे आप अच्छा तगड़ा लॉयर हायर करें और जाके केस कर दें उस आदमी के ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जिसने किडनैप किया है। अच्छा जी, आई आस्क फ्रॉम मोहम्मद बिलाल, गर्ल्स, वाई गर्ल्स आर नॉट केप्ट एज डॉटर्स और सिस्टर्स, वाई ऑलवेज वाइफ ही नेवर आंसर्ड? अगर आप स्टोरी जो मैंने शुरू में समझाई है वो सुनेंगे कि ये नॉर्मली इश्क और माशूकी का चक्कर होता है और घर से भागने का चक्कर होता है, तो इसलिए वो बहन बना के तो नहीं रख सकता, उसने तो मोहब्बत की है शादी करने के लिए, साथ रहने के लिए, तो ये वजह होती है नॉर्मली जिसकी वजह से वो बहन बना के नहीं रख सकते, जो मुझे मालूम। अगेन आई एम सॉरी ब्रो, दैट्स ब्लेम एंड आई थिंक दे शुड मॉडर्नाइज देमसेल्फ, कैमराज लगा लें,
वीडियोस बना लें अगर ऐसा है। मुझे नहीं मालूम कि ये किस चीज के बारे में हो रही है, और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमें मॉडर्नाइज करना चाहिए। इसी वजह से मैंने इन बच्चियों को फ़ोन भी दिया था, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में 100% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हो, जाके हमारे लोग जो हैं यूट्यूब से इल्म हासिल कर सकें, कनेक्शन बना सकें, डरे नहीं और एक दूसरे से बात करें और आगे बढ़ें। इसी यही मेरा काम है, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डू। और इसमें मेरे से जो होगा मैं करता हूँ, आप ही करिए, इसके अंदर इनकी हेल्प कीजिए जिसकी भी आप हेल्प करना चाहती है। डियर मिस्टर रेहान, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस इशू, यू विल लूज टाइम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मलिक भाई, लेकिन अब मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, जिस भी वजह से इन्वॉल्व हुआ, जिस तरह से इन्वॉल्व हुआ, और कभी कभी जो है वो मुश्किल आ जाती है इस तरह की, अल्लाह आसानी करेगा। और मैं जैसे मैंने कहा कि हर क्या है कि वो डरना नहीं चाहिए, जो भी मुश्किल आती हैं, मेरी पिछले हफ्ते ही मैंने वीडियो रिलीज़ की थी कि भी जितनी भी मुश्किल आती हैं वो आपके अंदर कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो हो सकता है मुझे इसमें कुछ सीखना हो, तो मैं अल्लाह करे सीख जाऊँ और मैं आगे निकल जाऊँ उससे जिसमें मैं हूँ। माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा ये वाली मोहब्बत होती है। अनिल भाई, जितनी भी हिंदुस्तानी फिल्में आती हैं उसमें अगर आप देखें तो माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा बॉयफ्रेंड या आशिक माशूक की मोहब्बत ही के बारे में गाने बनाए जाते हैं, अम्मा अब्बा के बारे में तो गाने बनाए नहीं जाते। तो अगर आप बॉम्बे वालों को ये बोलें कि भाई ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें मोहब्बत जो है वो माँ बाप की ज़्यादा दिखाई जाए, तो वो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। जो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, दोनों यही दिखाते हैं। इसी वजह से हमारे माँ बाप से मोहब्बत कम और माशूक से ज़्यादा होती है। जितने भी शायर हैं वो माशूक की मोहब्बत में बात कर रहे होते हैं, वालदैन की मोहब्बत में तो कोई नहीं कुछ लिखता। दे लव्ड ईच अदर एज दे वर ऑलरेडी नेबर्स एंड रेहान अल्लाह वाला से प्रोवाइड द फोन, दे विल कम लाइव इन फ्यूचर, रेहान सर मोटिवेट्स देम एंड दे देमसेल्फ विल रिप्लाई इन द फ्यूचर। जी उमेर, फिलहाल तो मैं एम श्योर कि वो डरे हुए होंगे, इतने ज़्यादा कॉलें आई होंगी, तो क्योंकि लोग ज़्यादा पहले बुरा कहते हैं, पूछते तो है नहीं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं, लोग टाइम स्पेंड नहीं करते समझने के लिए और शुरू हो जाते हैं गाली गलौज करने के लिए। और मोहब्बत हिंदू गर्ल से ही क्यों होती है, मुस्लिम गर्ल्स बदसूरत होती हैं? अनिल, नॉर्मली देखें, पहली बात तो मुझे जो स्टोरी है मैं सुना देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि हकीकत क्या है, ठीक है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर गरीब इलाकों के अंदर मुसलमान लड़कियाँ मुंह ढका हुआ रखती हैं, तो उनकी तो शक्ल ही नज़र नहीं आती, तो जब शक्ल नहीं आएगी नज़र तो उनसे क्या मोहब्बत करेंगे, वो कैसे मोहब्बत करेंगे? उनके जो वालदैन हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं, डंडा करके रखते हैं, जबकि हिंदू सिख की लड़कियां जो हैं वो चेहरे का पर्दा नहीं करती, चादर रखती हैं सर पे लेकिन पर्दा नहीं करती, तो उनको वही नज़र आती हैं, मुसलमान लड़कियां नज़र ही नहीं आती, तो इसलिए वो प्रॉब्लली उनके पीछे जाते होंगे, वल्लाहु आलम, गॉड नोज बेटर की क्या चक्कर। मैं आप सही कह रहे हैं, टू हैव टू स्केप फ्रॉम द इशू। मुझे बताइए कि कैसे स्केप किया जाता है, और मेरे ना मुझे किसी ने सिखाया है कि अपने मसलों से भाग जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मसलों को सॉल्व करने से इंसान के अंदर ताकत आती है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं भागने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, मैं समझाने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ, और इसके नतीजे में थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हो सकता है माली जान का नुकसान हो, अल्लाह आसान करे, आप दुआ ये कीजिए मेरे लिए। प्लीज रिमूव आस्क इन रिस्पेक्टफुल मैनर, मुझे समझ में नहीं आया। दीवान सनी भाई, आप अगर शुरू से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी का इंटरव्यू लेने का मकसद ये नहीं होता कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसकी बात सुननी ज़रूर चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल भी है और उसको आप ज़बरदस्ती बगैर क्राइम साबित करे मॉब मेंटालिटी से जाके मार देते हैं, तो फिर हम में और 2000 साल पुराने इंसान में क्या फ़र्क?
ये कोर्ट्स वगैरह का क्या फायदा? Just preach or discuss humanity instead of Islam, Hinduism, Christianity. Discuss religion issues, please. जी मलिक भाई, मैंने तो रिलीजन डिस्कस मेरे ख्याल में तो नहीं किया, ह्यूमैनिटी बेसिस पर ही मैं उनसे मिलने गया था। और मियाँ मिठा के अपने घर में 5-6 नौकर जो काम करते हैं वो खुद हिंदू हैं। अगर उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करना होता तो अपने घर में वो क्यों रखते नॉन मुस्लिम्स को काम कराने के लिए? अनिल कुमार भाई, मुझे पता नहीं अगर बुरका पहन लेंगी तो क्या होगा। ऑनेस्टली जैसे मैंने कहा कि मैं एक मैसेंजर हूँ, लाउड स्पीकर को जाके नहीं तोड़ना चाहिए अगर उसमें से आवाज़ आ रही है खराब। बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। आप उनको फ़ोन करें, बात करें। मैं कैसे बता सकता हूँ उनके दिल में क्या गुजर रही है? मुझे क्या मालूम अनिल कुमार के दिल में क्या गुजर रही है? मैं तो ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपना सच। दूसरे का सच क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे बता सकता हूँ? कोई मशीन अभी ईजाद नहीं हुई कि USB पोर्ट लगा दो और समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। आफ्टर मैरिज वाई आर दे नॉट अलाउड टू मीट देयर पेरेंट्स? आप अगर जो इंटरव्यू मैंने पोस्ट किया है 22 मिनट का, उसमें आप अगर सुन लें तो दो बहनें हैं और एक अब्बा से मिलती हैं, दूसरी नहीं मिलती। अब्बा उनसे मिलना नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती तो अब्बा से नहीं मिला जा सकता। तो अब्बा ने कोई किसी ने रोका नहीं है उनको, ज़बरदस्ती नहीं करी कि भी आप अब्बा से ना मिलें। इन केसेस में हो सकता है किसी केस में कोई और सूरत हुई हो, अब्बा से ना मिलने दिया हो, मुझे नहीं मालूम। मैं इनसे मिला था, औरों से मिलवा दीजिए, मैं उनका भी इंटरव्यू कर लूँगा। मेरी खुद गुजारिश ये होगी कि आप खुद भी इंटरव्यू कर लें। वॉट बेनिफिट्स आर गेटिंग फ्रॉम दीज गॉन्स? मुझे बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला सिवाय इसके कि आपकी बहुत सारी मोहब्बत भरे पैगाम आए हैं। जो आप टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, लोग किसी का इंटरव्यू करते हैं, मेरे कोई 600 इंटरव्यूज होंगे अब तक मैंने किए होंगे, हो सकता है ज़्यादा हो। तो बेनिफिट ये मिलता है कि मैं उनसे मिलता हूँ, सीखता हूँ, अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं, बुरे लोगों से ये पता चलता है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से तो कुछ सीखने को मिलता है। अब आप जैसे मैं इनको बता रहा था कि मियाँ मिठा से मिलने से पहले मैं 4 घंटे एक मंदिर में था, उनके जो बड़े हैं उनके साथ था, उनके साथ बहुत बहुत सारी बातें कैमरे पे और ऑफ कैमरा हुई। तो मुझे क्या दे दिया उन्होंने, क्या फीस दी थी मुझको कि आप जो है हमारे मंदिर की आगे वीडियो बनाइए, पोस्टर लगाइए, मशहूर कीजिए? मैं तो सबके पास जाता हूँ, आपको भी जाना चाहिए। अपनी क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो थोड़ी सी जगा लीजिए। अच्छा जी, सो बेटर फाइंड द पेरेंट्स जी उमर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप उनके पास उनके नंबर हैं, अब आप उनको प्यार से फ़ोन कीजिए, उनसे उनके पेरेंट्स का नंबर लीजिए और मुझे भेज दीजिए, तो मैं और इजाज़त ले लीजिए कि वो इंटरव्यू देना चाहेंगे, मैं खुशी से इंटरव्यू करवा दूँगा। थोड़ा सा हाथ बटाना है ना, मैं अकेला एक इंसान हूँ, जिनबूत तो नहीं हूँ कि मैं, जो लोग कह रहे हैं हज़ारों लड़कियाँ हैं, उनके हज़ारों पेरेंट्स हैं, मैं कैसे उनसे बात करूँ अकेले? आप थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए, हम मिलके कर लेंगे। Did you ask their Abba as well why he is not interested to meet me? नहीं नवेद जी, मैंने उनके अब्बा से नहीं बुलाया था। मैं इतना रात के 10:30 या 11 बजे वो आई थी, रमज़ान का टाइम था और मुझे मौका नहीं मिला। हाँ, अब आप उनको फ़ोन करके ज़रूर पूछिए, मैं उनके अब्बा राज़ी होंगे तो मैं उनका इंटरव्यू कराऊंगा, बार बार कराऊंगा। पंकज भाई, आपका सवाल है कि वाई डिडंट यू आस्क दोज गर्ल्स दैट वाई दे लेफ्ट हिंदुइज्म? जी मैंने तो पूछा था ये सवाल और उस पर जवाब भी था कि उन्होंने बताया था, आप वीडियो में उन्होंने जवाब दिया है, आप वो ज़रूर सुन लीजिए जाके। थैंक यू। अच्छा जी, अब समीर भाई फोन नहीं उठा रहे हैं और आ गए जी कॉल। जी समीर भाई,
हाय, तो अब आपका जो फेसबुक सेशन है ना वो लाइव है अभी तक, और मैं उस पे, हाँ तो आप उसी यूआरएल पे जाएं जो आपने मुझे भेजा था मैसेंजर पे, तो आप अंदर आ जाएंगे। समीर भाई की बिजली का प्रॉब्लम हो गया दिल्ली में, किसी ने कुछ यूपीएस के साथ कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो गई। सर, इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू विल गो डीपर एंड डीपर इन टू द स्वाम्प और दिस इशू विल लूज योर ट्रैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी। मलिक अमीर भाई, मेरा काम जो है, जो मुझे पसंद है, वो है लोगों से बात करना और कराना। अगर आप समझते हैं कि मैं ट्रैक से हट रहा हूँ तो आप गलत समझ रहे हैं। मेरा काम ही यही है कि जो हमारे दुश्मन है उनसे इतनी मोहब्बत की जाए, जिसको सो कॉल्ड दुश्मन कहा जाता है, वो हमारे दोस्त बन जाए। जी समीर भाई, वेलकम बैक। Sorry, I had a major power outage here. Apologies, it was a very long one. So there's a question, couple of questions. So Anand Gupta ji हैं इंडिया से, जिन्होंने एक सवाल पूछा कि हिंदू लड़कियां ही क्यों, मुसलमान लड़कियां क्यों नहीं? हाँ जवाब दो। देखिए, जी, उन्होंने पूछा व्हाई हिंदू गर्ल्स नॉट मुस्लिम गर्ल्स, व्हाई हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड नॉट मुस्लिम गर्ल्स। हाँ जी बताइए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है किसी भी मुस्लिम, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चीज ऐसी है जो अलाउ नहीं करती किसी भी मुसलमान को अपना मजहब छोड़ने, उसको मुर्तिद कहते हैं और उसको उन्होंने यहाँ सजा दी है फांसी। तो कोई जी भी मुसलमान पाकिस्तान में अपना मजहब बाय लॉ नहीं छोड़ सकता। कल मेरी एक जी लॉयर से बात हुई थी आप इसी तरह जी के सवालों के बाद, मैंने कहा कि आप जरा इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं कि लॉ क्या कहता है, यानी लॉ जी सपोर्ट करता है किसी को छोड़ने के या नहीं। उन्होंने कहा मुश्किल है कि कोई सपोर्ट करे लॉ, क्योंकि वो शरिया लॉ से लड़ाई करेगा। तो शरिया लॉ हमारे यहाँ पैरेलल है सिविल लॉ से, तो जी ये एक टेक्निकल मसला है। हाँ, आज हमारे, मेरे खिलाफ या मेरे बारे में एक हमारे पार्लियामेंटेरियन एमएनए ने, पाकिस्तान के समथिंग लाल साहब ने ट्वीट की थी। उनको मैंने ट्वीट बैक ये किया कि जनाबे अली, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपका काम लॉ बनाना है, आप लॉ को ठीक कीजिए कि ये काम लॉ बाय लॉ हो सके। तो जी आप लॉ ठीक, मैं तो एमएनए नहीं हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ। उनका काम है कि वो लॉ, कम से कम इतनी बॉल्स हैं तो जाके पार्लियामेंट में बिल तो पेश करें कि ये गलत हो रहा है या नहीं जी करना चाहिए। जी मतलब लेट्स गो बैक टू व्हाट यू अर्लियर सेड कि यू नो एज फार एज यू आर कंसर्न, फोर्स कन्वर्जन और कन्वर्जन यूजिंग एनी काइंड ऑफ यू नो इंड्यूसमेंट, कोई लालच दे के या किसी भी तरीके से अगर कोई हिंदू को मुसलमान में कन्वर्ट कर रहा है तो वो आप बिल्कुल सरासर उसके खिलाफ है, जैसा आपने कहा। मैं बिल्कुल सरासर इसके खिलाफ हूँ, और अगर आप इजाजत दें और इस कमेंट को हटा दें तो मैं कुछ कहूंगा, आपकी शक्ल नजर ये नहीं आएगी कमेंट कैसे उसके हटाएंगे मुझे दोबारा। पता नहीं था। अच्छा चलिए, कोई और कमेंट क्लिक कर दें और दोबारा क्लिक कर दें तो हट जाएगा। वो कुछ गड़बड़ हो गया, छोड़िए। हाँ हाँ बताइए। कोई बात हाँ नहीं, कोई राइट पे कमेंट आ रहे हैं, किसी पे क्लिक कर दें। वो राइट वाले कमेंट गायब हो गए हैं, तो मैं इनको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ स्ट्रीम से। क्या है ये? अच्छा नहीं 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 चलिए छोड़िए, आप इसे छोड़िए। हाँ राइट जवाब दीजिए। हाँ राइट पे लाइव कमेंट लिखा हुआ है ना नहीं नहीं आ रहे लाइव कमेंट्स, ऊपर, राइट नहीं आ रहे राइट सोशल पे मीडिया। ऊपर प्राइवेट चैट लिखी हुई है और लाइव कमेंट लिखा हुआ। नहीं फोल्डर्स लिखा हुआ है। हाँ कमेंट्स लिखे। हाँ क्या सॉरी, लिखा? वेरी गुड, कमेंट्स लिखे। हाँ वेरी गुड। सही, कमेंट पे जाके किसी भी कमेंट पे क्लिक कर दें। हाँ, अब इसको दोबारा दबा दें। हाँ ठीक, जी अब ठीक गायब है। हो। हाँ जी जब हम बड़े हो रहे थे तो हमको बताया जी गया कि जब अंग्रेज आया हिंदुस्तान में तो जी वो जबरदस्त मुसल क्रिश्चियन करता था, खास तौर पे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, कैथोलिक्स जो थे, जी एवेंजेलिज्म फैलाते थे और कैथोलिज्म फैलाया जाता था। तो हमें तो बहुत तकलीफ होती थी कि ये बात सुन के, और मैं जी बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि किसी हिंदू को भी तकलीफ होनी चाहिए कि मेरा मजहब क्यों जबरदस्ती कोई चेंज करा रहा है। भाई जी बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं इसके टोटल खिलाफ हूँ, बार बार यही कहूंगा कि मैं खिलाफ हूँ इसके, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जबरदस्ती, किसी भी किस्म की जबरदस्ती आजाद मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर। जी जी एक सवाल है नवीन तलरेजा जी का कि क्या आपने उनके अब्बा जान से मिले, उनके फादर, सवाल
अच्छा एक मिनट मैं क्लिक कर देता हूँ, ये तो ये सवाल है। जी नहीं जी, मैं उनके अब्बा जान से नहीं मिला। ये जो दोनों बच्चे हैं इनसे अपने रिलेशनशिप बनाना इतना आसान काम नहीं होता, किसी से इंटरव्यू लेना इतना आसान काम नहीं होता। समीर गुप्ता को मैं छह साल शॉर्ट जानता आंसर हूँ, भाई, दूसरी दफा शॉर्ट लाइव आंसर। बात हुई उन्होंने है दो उनसे सवाल कुछ। पूछे, दो सवाल पूछे, क्या आप उनसे मिले? आप नहीं मिले, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैं बिल्कुल उनका इंटरव्यू करना चाहूंगा। परफेक्ट, ठीक है। पंकज महेश्वरी का सवाल, व्हाई डिड यू आस्क गर्ल्स दैट व्हाई दे लेफ्ट हिंदुइज्म और व्हाट आर द फैक्टर्स दे एक्सेप्टेड इस्लाम? आई एम डैम श्योर दे वर ब्रेन वॉश्ड। जी ये सवाल हमने किया था, वीडियो पे है, आप उसका जवाब उनसे सुन लें। उस भी वीडियो में उनके नंबर भी हैं, आप दोबारा उनसे फोन करके पूछ लें। एक बार हमारे ये व्यूअर्स के उसके लिए एक बार आप जवाब दे दीजिए कि क्या आपकी बात हुई थी इस बारे में आपसे, उनसे शॉर्ट में आंसर। कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल हुई हुई, थी। उन्होंने कहा कि हमने छोड़ा है और क्यों छोड़ा है, उन्होंने कहा जी हमें मोहब्बत हो गई थी अपने उससे, इस लड़के से। ओके। सो ठीक है, आई मीन ऑब्वियसली पीपल विल स्टिल से कि जी वो बच्चियां हैं, और मुझे नहीं मालूम उनकी एज क्या है, मतलब इंडिया में तो अगर 18 साल से कम है तो उसकी हम अब मानते ही नहीं 18 है। और 19 जी अच्छा, तो ये लड़कियां 18 के ऊपर हैं। ये पर्टिकुलर जो केस था ना, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ये 3 महीने तक केस चलता रहा। तो क्या ये 18 के ऊपर है या 18 के नीचे है? उन्होंने, मैंने तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चेक करा, उन्होंने कहा कि एक 18 की है, 19 की है। ठीक है, ओके। ये उमर अयास साहब बोले, दोज गर्ल्स क्लियरली सेड इन अ वीडियो दैट टॉकिंग टू द पेरेंट्स एवरी डे, सो बेटर यू फाइंड द पेरेंट्स एंड इंटरव्यू देम। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज समबडी नीड्स टू इंटरव्यू द पेरेंट्स, राइट? समबडी नीड्स टू आस्क द पेरेंट्स। तो जब तक उनके पेरेंट्स मैं ये का एक वर्ड, जवाब बता रहा था कि समीर गुप्ता को मैं 6 साल से जानता हूँ, समीर गुप्ता से दूसरी दफा बात हो रही है लाइव, वो टाइम देगा तो मैं बात करूंगा ना, जबरदस्ती पिस्तौल रख के तो बात नहीं कर सकता। अगर उनके वालदैन मुझसे बात करेंगे, टाइम देंगे, ट्रस्ट होगा उनको, क्योंकि वो गरीब हैं, डरते हैं, बात करते हुए भी डरते हैं, कैमरे पे आते हुए भी डरते हैं, सब डरते हैं। अगर दीप सईद जैसी औरत लाइव पे आते हुए डरती है तो इस बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा? इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद ही आप उससे कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, इंशाल्लाह आपका हार्म नहीं किया जाएगा। इट अच्छा, टेक्स आपने बोला टाइम। दीप आप चाहते दीप हैं सैदा आपके साथ इंटरव्यू में नहीं, लाइव में नहीं आना दुनिया चाहती हैं? तरयान भाई, क्या मतलब दीप में सैदा आपके साथ नहीं आना चाहती, क्या ऐसा बोला आपने? अच्छा, दुनिया मियां मिट्टू के साथ लाइव में नहीं आना चाहती, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपके साथ तो आने को मना नहीं करे ना, वो उनका मुझको अपना मना किया, पर्सनल। लेकिन 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाएं, लेकिन वो टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं आती। जी ठीक है, आई गॉट दैट। आई मीन या I mean, I know her very well personally, and you know, she's an incredible human being, and she's अब आप ये सुन रहे हैं स्क्रीन गार्ड, तो अब आप सारे जितने भी दोस्त हैं उनके साथ गप लगाया करें यहाँ पे। जी। दीवान सनी साहब कह रहे हैं, नीड योर कमेंट्स, अगर फोर्स कन्वर्जन जो हो रही हैं और जो होगी इस पर ऊपर आप हमारे साथ स्टैंड लेंगे अगर आप ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते हैं? आपने बोला था यस, यस और नो? रेहान भाई यस, दोबारा बताऊं जी, के साथ स्टैंड लूंगा। ठीक, ओके ओके। सो जयंत करमानी साहब पूछ रहे हैं, व्हाट बेनिफिट्स आर यू गेटिंग फ्रॉम दोस गूंस? ओके, मुनेश नमानी इज आस्किंग, डिड यू आस्क दोस गर्ल्स रीना एंड रवीना दैट दे हैव एवर मेट देयर पेरेंट्स सिंस दैट फोर्स कन्वर्जन? डिड यू आस्क देम, यस और नो? यस यू डिड, एंड डू यू रिमेंबर द आंसर? वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, सबको देखनी अभी चाहिए। भाई बताइए ना अभी। मैं आया, नहीं मुझे नहीं याद क्या जवाब आप था। यार आपको ठीक नीचे जवाब है ना कि भी क्या है? 15 दिन पहले मैंने कल क्या कहा था मुझे नहीं याद, मैंने 15 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, माई आई गॉट दैट। फोकस वन, माई फोकस इज टू मेक देम कंफर्टेबल एंड स्पीक, दैट्स आई इट। गॉट, क्या बोलती आई हैं? गॉट, नॉट माई। ठीक है, ओके। नवीन तलरेजा इज आस्किंग, रेहान भाई वी आर नॉट टेररिस्ट, डोंट से आपको नुकसान होगा, जान माल का आज तक रिकॉर्ड्स उठा के चेक कर लें, हिंदू ने किसी को नहीं मारा, अलबत्ता दे आर किल्ड, यू कैन चेक इट।
एनी कमेंट्स? बहुत शुक्रिया नवीन भाई आपके इस तसल्ली का, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। ओके, नवीन इज आस्किंग डू यू थिंक पुलिस इज वर्किंग वेल इन पाकिस्तान? आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू टेल दैट, और नाइदर कमिश्नर, यू शुड कॉल देम एंड आस्क। ओके, एक मिनट। मेरी गाड़ी ह्यूस्टन में चोरी हो गई, तो पुलिस वालों ने तो वहां भी हेल्प नहीं करी, यहाँ पे क्या करें। ओके, आई गॉट दैट। All right, so we are at the end of this, Rehan bhai. As always, thank you very much for answering all the questions, and some of them have been really tough questions. I really wish, मतलब मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि देखिए, आज तक जो काम आप करते आ रहे हैं, मैं करता आ रहा हूँ, या और बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रुप में भी जो आपसे बहुत नाराज भी हैं, हम सब लोग बहुत बार वही ज्यादातर वही काम करते आ रहे हैं जो ओवरलैप करता आ रहा है। और मुझे पर्सनली बड़ा दुख है कि कल तक जो लोग साथ चल रहे थे और जो इनकी दोस्ती थी, आज सडनली लोग एक दूसरे से नाराज हो गए। और आई रियली अप्रिशिएट यू आंसरिंग ऑल दोस टफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, एंड आई विश कि लोग बातचीत करें। मैं जिस क्या बोलते हैं उर्दू में तबके को बिलोंग करता हूँ, मैं अपने आप को एक लिबरल बोलता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को, मैं एक लिबरल हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देर इज नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू डायलॉग। सो हम बात दूर की बात तो बाद में करें, हम इंडिया पाकिस्तान के इशू बाद में रिजोल्व कर रहे हैं, कश्मीर के इशू बाद में रिजोल्व कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं यू नो इसराइल और पाकिस्तान के, आज यहाँ पे लोग जो ये इशू उठा है, इस इशू में बातचीत ना करें वो सही नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि बातचीत कर लें, और जो लोग जैसे आपने कहा कि आपसे रेहान अला वाला बुरा आदमी है, रेहान अला वाला सडनली आज एक ईविल इनकार्नेट हो गया है, तो भी रेहान अल्लाह वाला से बातचीत कर ली जाए। और जरूरी नहीं है कि लोगों की बात रेहान मान लें और रेहान की बात लोग मान लें, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि बातचीत कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ऑल द टाइम, एंड आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम, यू नो देयर वाज अ ब्लो आउट ऑफ द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आई हैड एट माय होम, ऑब्वियसली आई एम एट माय होम, दिस इज द लॉग आउट। थैंक यू वेरी मच। एनी लास्ट थिंग्स दैट यू वांट टू से रेहान भाई, एनीथिंग टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन? कमेंट बंद कर दें तो मैं आपको, आपने इसको, मैं, हाँ जी मैं कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कहाँ पे कर रखा था, किसी भी कमेंट पे करके उसको दोबारा, हाँ कर दे, हाँ जी आप बताइए। कमेंट ये है, रिक्वेस्ट है कि मेरी दिली आरजू है कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल, कोविड ने शामिल साबित कर दिया कि दुनिया बहुत कनेक्टेड है, और हमको नहीं सूट करता कि हम एक ही जबान बोलने वाले, एक ही काम करने वाले एक दूसरे से लड़ते रहे। डायलॉग के अंदर सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अटेंशन हमारा स्पैन बहुत कम हो चुका है। लेकिन मैं आपको फिर भी दावत देता हूँ, मेरे पास 12 लोग हैं मेरी टीम में जो अब इंटरव्यूज करने को तैयार हैं, और आप अपनी स्टोरी सुनाएं आके कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करें। मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, मैं सुपरवाइजरी करता हूं, अब खुद नहीं बात करता, ज़्यादा कम लोगों से बात करता हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इससे बात करनी ज़रूरी है, और वो तहम्मुल वाला इंसान है, एक साहब ने आज मुझे रिक्वेस्ट दी है कि भाई आप मुझसे बात करें, लेकिन वो अक्सर जब भी बात करते हैं वो नशे में होते हैं, तो मैं उनसे कैसे बात करूँ, वो बात को सीरियसली करते नहीं है, तो मैं कैसे उनको जवाब दूँ? So if there's a serious person, I would talk to them personally. आप सबसे गुजारिश है, मियाँ मिठू या मियाँ मिठा इंडिया में तो अटैक नहीं कर सकते, लंदन से बैठ के तो आपको नहीं उठवा सकते, इटली से बैठ के तो नहीं आपको उठवा सकते। उनका नंबर मैं आपको पब्लिकली दे रहा हूँ, आप उनको व्हाट्सएप करें, उनको लाइव लेके आए। उनका बेटा खुद लॉयर है, हाथ जोड़ के उसने मुझसे कहा कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने के बजाय प्रूफ लेके आइए, हम आपको जवाब देने को तैयार हैं, खुशी से तैयार हैं। यार इससे ज्यादा ओपन क्या होगा? ये तो ऐसा है कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि आ जाओ हमारी, हमसे बात कर लो, पाकिस्तान के नहीं हम बात नहीं करेंगे।
ये तो ज्यादती की बात है, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए और उस मसले को खत्म कर दीजिए। इट कैन बी, इट कैन गो अवे। मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं उनका कंसल्टेंट नहीं हूँ। मुझे अफसोस होता है कि एक 85 साल का आदमी कह रहा है कि 20 साल में कोई नहीं आया मेरे से बात करने के लिए कि तुम्हारी साइड ऑफ द स्टोरी है क्या। मुझे अफसोस होता है, इतने जर्नलिस्ट हैं, इतने जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, इतने हिंदू हैं, किसी के पास करेज नहीं है कि अपना मोबाइल फोन उठाए जाके उनकी सोच से How बात did करें you कि know उनको। what he's saying is right? But how did you know that people have an interview? Because there are interviews of it. Why do I care कि वो क्या कह रहे हैं? आपके सवाल आपके पास है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अभी सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये 100 बच्चियां जो कन्वर्ट हुई हैं उनसे आप बात करें। मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? उनके अब्बा से बात करें, उनके इंटरव्यूज देख लेकर आए। आप मीडिया को, जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, फिर भी आप उसकी बात माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। यार ये तो अजीब सी बात है, एक तरफ आप बात मान रहे हैं, एक तरफ आप बात नहीं मान रहे। पाकिस्तानी मीडिया को आप बार बार बोलते हैं झूठ बोलता है, इंडिया मीडिया को आप बार बार बोलते हैं झूठ बोलता है, फिर भी आप उसकी बात मान रहे हैं। तो यार आप डायरेक्ट बात कर लेना। डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते? कितने यहाँ पे पाकिस्तान इंडियन बैठे हुए हैं जो कि मुझसे बात करने को तैयार है, आए बात करें। डायलॉग क्यों नहीं करते? बताए ना कि आपको क्या नाराजगी है। मैंने कहीं पे भी गुस्सा किया किसी को, मैंने एक आदमी को बता दें, मुझे सुबह से कल से गालियां आ रही है, मैंने एक को भी नहीं कहा कि तुमने, मैंने उसको थैंक यू बोलता हूँ। तो अगर मैं गुस्सा बैक नहीं कर रहा हूँ, ओपन टू डायलॉग हूँ, ओपन टू कॉन्वर्सेशन हूँ, तो आप इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इतना गुस्सा है तो गुस्से को चैनलाइज करें ना। समंदर है या पानी रिवर आ रहा है नीचे, उसको चैनलाइज करेंगे तो उससे हम खेत के खेत जो है ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अगर चैनलाइज नहीं करेंगे उस एंगर को, उस एनर्जी को, तो जाया हो जाएगी। हमारे बिल्कुल नौजवान जिस मुल्क में 1.25 अरब मुसलमान इंसान रहते हो, पाकिस्तान में 250 मिलियन इंसान रहते हो, गरीब मुल्क होना चाहिए इन लोगों को। कब हम इस गुर्बत से बाहर आएंगे? जब हम अपनी प्रायोरिटीज ठीक कर लेंगे और अपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके अच्छी चीजों पर स्पेंड करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी अच्छी चीज है कि मियाँ मिट्ठू को बुरा साबित करें, लेकिन साबित करने के बजाय उनसे बात कर लें और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा लें। दैट इज जी ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग, नॉट जस्ट मियाँ मिट्ठू, आप पाकिस्तान के सेनेटर्स से बात करें, मैं आपको दावत देता हूँ, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से बात करें, पाकिस्तान की एजेंसी से बात करें, सबसे बात करें जिनसे आपको एतराज है, जिनसे आपकी लड़ाई है। आपको जी मुसलमान से नफरत है, मुसलमान से बात करें। जी तो आप ये कि आप ये एक एक मैं जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप ये बोल रहे हैं, ये दावा इंडियंस के लिए भी आप दे रहे हैं कि आपको शिकायत है पाकिस्तान के एजेंसी से या पाकिस्तान के सेनेटर से या पॉलिटिशियन से, तो उनसे डायरेक्टली बात करें एंड यू आर सेइंग दैट इट इज पॉसिबल टू डू दैट। सबके नंबर इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप गूगल करें, आपको पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के नंबर मिलेंगे, उनको हेलो करें, इनको हेलो हाई करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, वो बात जवाब देंगे। 12 में बात करना शुरू करें, सारे तो गधे नहीं है ना। जी। और दूसरी चीज, आपने दो अलग अलग बातें करी। एक बात आपने करी जो आपने कहा कि मियाँ मिठू जो है, आप कह रहे हैं कि उनसे बात करें और ऑब्वियसली लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं बिकॉज फॉर हिम फॉर देम मियाँ मिठू समबडी दैट इट इज यूजलेस, मतलब उनके हिसाब से कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके उससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप तैयार हैं इसके लिए कि लोग आपसे बातचीत करें, कि आए बातचीत करें, डिस्कस करें, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं और आप, हमारे बहुत सारी चीजों में डिफरेंस हो सकते हैं ओपिनियन के, पर जब हम ऐसे इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ मैं सीखता हूँ, कुछ शायद आप, होपफुली आपको भी कुछ नया मिलता है उस कॉन्वर्सेशन में। मैं ये समझता हूँ कि पत्थर के ऊपर एक एक कतरा भी गिरता है तो उसमें सुराख हो जाता है। इट टेक्स टाइम, कोई भी आदमी बदल सकता है लेकिन इट टेक्स टाइम। मियाँ मिठू 85 साल के हैं, एक दिन में तो आपके कहने से नहीं बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे बात करते रहेंगे, उनसे सवाल करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो उनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। उनको आप SOPs बना के दे देंगे, सर ऐसा ना करें, ऐसा कर लें, बात तो करें ना। आप जाके गाली देंगे, कौन सा इंसान गाली के जवाब में प्यार देगा? सारे तो मेरी तरह नहीं जवाब दे देंगे ना, सारे तो जीसस के सम नाम ले हुए हैं, फॉलोअर नहीं है। वो कहते हैं एक थप्पड़ इधर मारो तो मुंह आगे कर दो, हम तो आगे से डंडा लेके पहुंच जाते हैं अगर कोई थप्पड़ मारे तो, हम फॉरन रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर एक आदमी से बात करनी है, उसको कन्विंस करना है, अपनी बात कन्विंस करनी है, तो सेल्समैन किस तरह से सेल्समैनशिप करता है? बार 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 एक ही बात बोलता है, वो आखिर में आंटी कपड़े खरीद के ले जाती है। इसी तरह से इंसान के अंदर तब्दीली आती है जब आप बात करते हैं। आप बात ही नहीं कर रहे, तब्दीली कैसे आएगी? आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसने देखा नहीं हो क्या, तब्दीली कैसे आएगी? जी, लेकिन
ठीक है, मैं क्या समझ गया, लेकिन एक चीज तो है, यू नो देयर आर स्टिल पीपल हु चूज टू से कि नहीं हमें नहीं बात करनी में मिडिला से, वी क्लियर दैट यू नो ही इज एन इविल मैन, यू नो दैट्स व्हाट दे से। दूसरों को आप ठप्पा क्यों लगा रहे, मेरे ऊपर कहां से इविल मैन बना दिया आपने? आप अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो अपनी एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दें, उस उधर चले जाएं, केस कर दें, केस करना है तो अगर आप समझते हैं कोई तो रास्ता सही होगा ना, आप समझते हैं लॉ सही है, केस कर दीजिए, मैंने आपसे कहा मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, आप समझते हैं कि पुलिस सही है, आप पुलिस के पास चले जाएं, लेकिन किसी को सोशल मीडिया के ऊपर जाके गाली देने से वो ठीक तो नहीं हो जाएगा, वो अच्छा तो नहीं हो जाएगा, ना आपको फायदा होगा ना उसको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम, thank you for taking the time out this evening and let's hope ki you know jo bhi ye chal raha hai ye jaldi khatam ho and you know we're back to being allies in making sure that you know there's a progressive and prosperous South Asia. Thank you very much for your time. Main bahut shukrguzar hu aapka ki is bahane se kam aapse baat hui. Ji bilkul, bahut bahut dhanyawad, bahut shukriya. Ab upar end broadcast the